दूरी थोड़ा दूर हो गया लग रहा है। चलो रहे, चाक कहाँ है? चलो बताओ इन्फिमम का डेफिनेशन। बताओ तुम। आन हो गया। इन्फिमम बताओ क्या होता है, बताओ। तुम बताओ। तो कब याद करोगे? याद थोड़ी ना करना है, याद करना है डेफिनेशन को। तुम बताओ। नहीं ये नहीं, वो जो एग्ज़ाम में लिखना है वो बोलना है, क्योंकि उसी की ज़रूरत है हमें अभी। मैंने ये बताया था। हाँ हम इसका यूज़ अभी थ्योरम में नहीं करेंगे। थ्योरम में हमें क्या यूज़ करना है, मैंने नोट कराया हुआ था एक दिन, इन्फिमम का डेफिनेशन लिखवाया हुआ था, ठीक है? तो वो मैंने आपको बताया था कि कोई एलिमेंट, अगर यल एलिमेंट है किसका, एक्स का, तो इस एलिमेंट एल को हम यस का इन्फिमम कहते हैं यदि दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये थी कि एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस। इसका मतलब क्या है? L इज ए लोअर बाउंड ऑफ S का मतलब क्या है? दैट इज L इज लेस देन आर इक्वल टू X फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू S। और दूसरी कंडीशन बताओ क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर L से बड़ा कोई एलिमेंट A है तो वो इस बात की गारंटी देता है कि ये A जो है वो कभी भी हमारा लोअर बाउंड नहीं बनेगा। तो A इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ एस, ठीक है? यही तो मैंने लिखवाया था और यही मैं पूछ रहा था। अभी इसी का हमें यूज करना है, ठीक है? तो हेडिंग डालो, थ्योरम है हमारा जी एल बी प्रॉपर्टी। थ्योरम नोट करो। इस थ्योरम का नाम है जी एल बी प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी है क्या पहले वो नोट कर लो। लेट S be a non-empty subset of R then an element L belonging to R is infimum, infimum या इसका दूसरा नाम क्या है? ZLB of S if and only if L is less than or equal to X for all X belonging to S। और दूसरी कंडीशन for each epsilon greater than zero there exist X1 belonging to S such that X1 is less than L plus epsilon।
प्रूफ, जहां भी नहीं समझ में आएगा बोल देना। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलें, ओके, पहले क्वेश्चन समझ लो क्या क्या रहा है। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, देन एन एलिमेंट एल बिलोंगिंग टू आर इज इन्फिमम या जी एल बी ऑफ एस इफ एंड वन लेव दीज टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ठीक है। मतलब ये कि अगर ये एल हमारा इन्फिमम है तो सिद्ध करो कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। और यहां पे बना क्या है, इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टेटमेंट क्यू को इंप्लाई कर रहा है तो आपको ये भी प्रूफ करना होगा कि क्यू जो होगा वो पी को इंप्लाई करेगा, और इफ एंड ओनली इफ का ये भी मतलब है, मतलब P implies Q and Q implies P, ठीक है। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है कि अगर L हमारा इन्फिमम है या L हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो आप सिद्ध करो कि ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। बात फिर क्या प्रूफ करेंगे, कन्वर्सली कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप सिद्ध करो कि L क्या होगा, हमारा इन्फिमम होगा, ठीक है। बात क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलो पहले आप नोट कर लो फिर मैं समझाता हूं। सपोज दैट एल इज इन्फिमम ऑफ एस, देन एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस, दैट इज, अब जरा समझो, हम ये सपोज कर रहे हैं कि यल क्या है, इन्फिमम है। अच्छा, इन्फिमम के लिए पहले क्या होना जरूरी है, लोअर बाउंड। मतलब कि अगर L हमारा S का इन्फिमम है तो पहले ये L हमारा क्या रहा होगा, लोअर बाउंड। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि देन L इज ए लोअर बाउंड ऑफ S। अब समझो, अगर ये L हमारा लोअर बाउंड है उस केस में ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी। लोअर बाउंड का तो यही डेफिनेशन है कि एक ऐसा एलिमेंट जो सेट के बाकी सारे एलिमेंट से क्या हो, सबसे छोटा हो या उसके बराबर हो। अगर ऐसा है तो जो एलिमेंट ऐसा होता है उस एलिमेंट को क्या कहते हैं, लोअर बाउंड कहते हैं। तो यहां पे कहा जा रहा है कि देन एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस, दैट इज क्या, एल इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस। कोई दिक्कत, इसका मतलब ही क्या है, यल एक ऐसा एलिमेंट है जो यस के सारे एलिमेंट से सब क्या है, सबसे छोटा है या इसके बराबर हो सकता है। यहां तक बात ठीक है। अब आप ये बताओ क्या ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हो गई, ये नोट करो, आगे लिखना, बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ द इन्फिमम ऑफ एस, द इन्फिमम ऑफ एस अब जरा सोचो, सुनो, यहां पे एक एक लाइन समझते चलो, जहां भी नहीं समझ में आएगा बोल देना। यहां पे कहा जा रहा है बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम ऑफ एस,
और इन्फिमम के डेफिनेशन पे, अगर एल से बड़ा कोई एलिमेंट अगर आपके पास है, ध्यान से समझना, अगर एल से बड़ा हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, सपोज करो वो ए है, तो वो ए जो है वो हमारा कभी भी लोअर बाउंड नहीं बनेगा। तो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर ये एल हमारा लोअर बाउंड है तो इस एल में अगर हम एक छोटी क्वांटिटी ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी, सपोज करो एल प्लस एप्साइलन है, तो क्या वो कभी लोअर बाउंड बनेगा? नहीं बनेगा। अब सुनो एप्साइलन क्या होता है, यहां पे एप्साइलन दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं एप्साइलन। एप्साइलन जो है इस, एप्साइलन इज द वेरी 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 स्मॉलेस्ट क्वांटिटी बट पॉजिटिव, आप नेगेटिव नहीं ले सकते, ठीक है। एप्साइलन को क्या करना है, एप्साइलन को जितना छोटा सोच सकते हो सोच लो, लेकिन नेगेटिव में नहीं सोचना है। अब आप ये मत करना कि एप्साइलन की वैल्यू 1 ले लो, नहीं, 1/3, 1/4, 1/100 आप ले सकते हो, जितना छोटा सोच सकते हो उतना छोटा सोच लो, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि बाई द डेफिनीशन ऑफ द इन्फिमम ऑफ एस, कि अगर एल हमारा लोअर बाउंड है और इस एल में अगर हम थोड़ी सी भी क्वांटिटी अगर ऐड करेंगे तो कभी भी ये हमारा लोअर बाउंड नहीं बनेगा, और वो थोड़ी सी क्वांटिटी क्या है हमारा, एप्साइलन। तो वही कहा जा रहा है बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम ऑफ एस, एल प्लस एप्साइलन, नोट करना, एल प्लस एप्साइलन इज नॉट ए लोअर बाउंड, इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ एस। ठीक है, अब सुनो, ये एल प्लस एप्साइलन हमारा क्या नहीं है, लोअर बाउंड नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए जो इस एल प्लस एप्साइलन से क्या हो, छोटा हो। तो देयर फोर देयर एग्जिस्ट एक्स वन बिलोंगिंग टू एस सच दैट एक्स वन इज लेस देन एल प्लस एप्साइलन, एक्स वन इज लेस देन एल प्लस एप्साइलन। तो अब जरा देखो क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हो गया। और यही हमें करना था कि अगर L को आप इन्फीमम कह रहे हो तो आप सिद्ध करो कि ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो ये दोनों कंडीशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई। तो आगे लिखना, हैंस द कंडीशन 1 and 2, हैंस द कंडीशन 1 and 2 आर सेटिस्फाइड। बस हैंस द कंडीशन 1 and 2 आर सेटिस्फाइड। कहां से? हाँ, यहां पे, ठीक है। देखो यहां समझाते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम ऑफ एस, मतलब कि सेकेंड कंडीशन इन्फिमम का, L प्लस एप्साइलन, L अगर हमारा लोअर बाउंड है तो इसमें अगर थोड़ा सा भी क्वांटिटी ऐड करोगे तो ये कभी भी हमारा लोअर बाउंड नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये L प्लस एप्साइलन जो है ये हमारा लोअर बाउंड नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पे A क्या था हमारा, अगर A जो है L से बड़ा है तो A हमारा क्या नहीं था, लोअर बाउंड नहीं था, ठीक है। और आपको पता है कि किसी भी सेट के इनफाइनाइट लोअर बाउंड होते हैं। तो यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये L प्लस एप्साइलन हमारा लोअर बाउंड नहीं है तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट यस में जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा जो इस L प्लस एप्साइलन से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। तो वही यहां पे लिखा गया है कि देयर फोर देयर एग्जिस्ट एक्स वन बिलोंगिंग टू S सच दैट एक्स वन इज लेस देन L प्लस एप्साइलन, हेंस द कंडीशन 1 and 2 आर सेटिस्फाइड। हाँ, यहां से तो हम बोल सकते हैं x1 लोअर बाउंड हो, क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि किसी सेट के इनफाइनाइट लोअर बाउंड होते हैं,
ठीक है, चलें आगे। ओके, अब आप लिखो कन्वर्सली, कन्वर्सली, कन्वर्सली में हमें करना क्या है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आप सिद्ध करो कि L क्या होगा, इनफेमम। तो इसमें लिख लेना गिवन दैट इफ कंडीशन वन एंड टू आर सेटिस्फाइड देन वी हैव टू प्रूव दैट देन वी हैव टू प्रूव दैट एल इज इनफीमम ऑफ एस। समझना जरा, यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लग रहा है मैथमेटिक्स है ये, नहीं ना? ओके चलो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके मतलब कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सिद्ध करो कि एल क्या है हमारा, इनफीमम है। ध्यान देना कि एल क्या है, इनफीमम। तो इनफीमम के लिए क्या होता है, सारे लोअर बाउंड का सबसे बड़ा, हमें यह दिखाना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कंडीशन वन क्या है हमारा, दिस। तो लिखना कंडीशन वन इंप्लाइज दैट नाउ, कंडीशन वन इंप्लाइज दैट, कंडीशन वन क्या इंप्लाई करेगा, कंडीशन वन से हम क्या बोल सकते हैं, एल लोअर बाउंड है तो ये नोट करो, एल इज लोअर बाउंड ऑफ एस। अगर डेफिनेशन क्लियर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए मैंने इतने सारे एग्जांपल आपको बताए हैं। ठीक है, अब समझना जरा ध्यान से, लेट A is any lower bound of S। हमने ये माना कि A जो है कोई एक और lower bound है, किसका, S का। लेकिन ये A कैसा है, तो ये A जो है ये A is not less than or equal to L, A is not less than or equal to L। ये A कैसा है, हमने इस A को कहा कि ये S का lower bound है, ठीक है, और हम उस पर एक और condition लगा रहे हैं कि ये A जो है वो L से छोटा नहीं है। तो अगर A L से छोटा और उसके बराबर नहीं है तो A कैसा हो सकता है, L से बड़ा, तो A greater than L। ठीक है, तो आगे नोट करो, लेट ए इज एनी लोअर बाउंड ऑफ एस, आगे लिखना इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल सपोज दैट, सपोज दैट ए इज नॉट लेस देन, ए इज नॉट less than or equal to L, that is, इसका क्या मतलब है, हो गया, If possible, suppose that A is not less than or equal to L। तो अगर A less than or equal to L नहीं है तो बड़ी ही सीधी सी बात है क्या, कि A जो होगा वो क्या होगा, L से बड़ा होगा। ठीक है, then A greater than L। ठीक है बात। ओके, पुट
एप्साइलन इज इक्वल टू ए माइनस एल, और एप्साइलन होता क्या है, हमेशा पॉजिटिव, तो दिस इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं पुट करूंगा एप्साइलन के जगह पे ए माइनस एल, यहां से ए की वैल्यू बता सकते हो, ए प्लस सॉरी ए की वैल्यू हो जाएगी एल प्लस एप्साइलन, ठीक है, वेरी गुड। आगे नोट करो, हेंस बाय कंडीशन टू, हेंस बाय कंडीशन टू, कंडीशन टू क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एक्स वन बिलोंगिंग टू एस सच दैट एक्स वन इज लेस देन यल प्लस एप्साइलन, और यल प्लस एप्साइलन को हमने क्या माना, ए, तो दैट इज एक्स वन इज लेस देन ए। दिस इंप्लाइज दैट, अभी मैं समझा दूंगा, दिस इंप्लाइज दैट ए इज नॉट, क्या ये ए हमारा लोअर बाउंड बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट ए इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ एस, लोअर बाउंड ऑफ एस। अब रुक जाओ, तुम्हें समझ में तो नहीं आ रहा होगा अभी कुछ, सही है, अभी नहीं आएगा। एक काम करो, नोट्स किसी का लेके पहले कंप्लीट कर लो और सारे डेफिनेशन एक बार पढ़ लो, तब चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो नोट्स ले लेना किसी का, कंप्लीट कर लो उसे एक दिन में। चलें आगे, अब जरा समझना थ्योरम को, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। Given that if condition 1 and 2 are satisfied, then we have to prove that L is infimum of S. अब जरा सुनो, L हमें प्रूफ करना है कि L इन्फीमम होगा, तो हमको क्या प्रूफ करना होगा, कि ये L जो है वो बाकी के सारे लोअर बाउंड से सबसे बड़ा वाला लोअर बाउंड होगा, ठीक है। अब जरा सोचो, अगर हम किसी तरीके से ये प्रूफ कर दें कि हम एक और लोअर बाउंड एस का लें और हम ये दिखा दें कि वो लोअर बाउंड जो है एल से बड़ा नहीं, एल से क्या है, छोटा है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हमें ये सिद्ध करना है कि एल जो है वो इन्फीमम है, मतलब कि सारे लोअर बाउंड का सबसे बड़ा वाला लोअर बाउंड है, हमें ये प्रूफ करना है। तो हमें करना क्या होगा, हमें यह प्रूफ करना होगा कि अगर मैं एस का कोई भी अगर एक लोअर बाउंड लेता हूं, तो हमें यह प्रूफ करना होगा कि वो ए जो होगा वो एल से बड़ा नहीं, एल से क्या होगा, छोटा होगा। हमको यहां तक पहुंचना है, बात समझ में आ रही है। अब सुनो यहां से, नाउ कंडीशन वन इंप्लाइज दैट एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस, ये तो डेफिनेशन ही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, लेट ए इज एनी लोअर बाउंड ऑफ एस, हमने एस का एक लोअर बाउंड ले लिया, वो क्या है हमारा, ए। अब समझो, इफ पॉसिबल सपोज दैट, हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये जो लोअर बाउंड हमने लिया, ये लोअर बाउंड कैसा है, एल से छोटा नहीं है और एल के बराबर भी नहीं है।
अगर एल से छोटा और एल के बराबर नहीं है तो एल है तो ए होगा क्या? एल से बड़ा होगा, तो देन ए ग्रेटर देन एल। अब मैं ये कह रहा हूं पुट एप्साइलन इज इक्वल टू ए माइनस एल, या यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ए इज इक्वल टू एल प्लस एप्साइलन, हेंस बाई कंडीशन टू एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एक्स वन बिलोंगिंग टू एस सच दैट एक्स वन इज लेस देन एल प्लस एप्साइलन। और यहां से एक्स वन एल प्लस एप्साइलन से छोटा है, मतलब कि एक्स वन किससे छोटा है? ए से छोटा है, है ना? और यहां से हम ये कह सकते हैं कि x1 अगर a से छोटा है तो बाई डेफिनेशन ऑफ दिस, यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये a हमारा कभी भी लोअर बाउंड नहीं बनेगा। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया दिस इंप्लाइज दैट a इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ s। अब सुनो, लेकिन हमने तो शुरू में माना हुआ था कि l जो है वो है क्या, सॉरी a जो है वो है क्या, लोअर बाउंड है। और यहां पे हम ये कह रहे हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि ए हमारा लोअर बाउंड नहीं है। तो हुआ क्या, शुरू में हमने माना कि ए लोअर बाउंड है और हमने पाया फिर क्या कि ए लोअर बाउंड नहीं है, तो फिर हुआ क्या? हाँ, मतलब कि विच इज कंट्राडिक्शन। हमने ये जो सपोज किया हुआ था, सपोज दैट ए इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू एल, ए लेस देन आर इक्वल टू एल, ये जो मैंने लिखा था कि नहीं हो सकता है, ये बात हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। तो हुआ क्या कि ए लेस देन आर इक्वल टू एल ही होगा। अब सुनो, हमने ये माना था कि ये नहीं है, ए को हम लोअर बाउंड माने थे, और अगर हम ये लेकर के चल रहे थे तो हम ये पा रहे थे कि ए हमारा लोअर बाउंड ही नहीं है, तो फिर ये जो मैंने सपोज किया वो गलत हो गया। ठीक है, अगर ये गलत हो गया तो सही क्या होगा, a लेस देन आर इक्वल टू l हो गया। अब सुनो, अगर ये सही है तो हमने a को माना था कि कोई एक लोअर बाउंड है, ठीक है, इसका मतलब कि आप कोई भी लोअर बाउंड लेकर के चलोगे हर हाल में वो l से छोटा ही होगा। अगर कुछ पल के लिए हम ये कह दें कि a हमारा आर्बिटररी एलिमेंट है, तो यहां से हम ये कह देंगे कि उस सेट के सारे लोअर बाउंड की बात हम एक ही साथ कर रहे हैं, मतलब कि ए को अगर आप लोअर बाउंड बोल रहे हो तो वो कभी भी हमारा एल से बड़ा नहीं होगा, वो हमेशा एल से क्या होगा, छोटा होगा। और सारे लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट कहलाता क्या है, इन्फिमम। तो इसके आगे लिखो विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन which is contradiction thus a is a lower bound of thus a is a lower bound of s this implies that A is less than or equal to L. A is less than or equal to L. समझने के लिए यहां पे लिख लेना, all lower bounds, other all lower bounds other all lower bounds less than or equal to L. Hence, infimum of S क्या हो जाएगा? अब बताओ, अगर कोई लाइन नहीं समझ में आई हो तो आपका थ्योरम स्टार्ट हो गया है, बताओ कोई दिक्कत? पढ़ के आना कल, ये मैं दूंगा लिखने के लिए यहीं पे, देख लो कोई लाइन नहीं समझ में आई, करना क्या है, बात समझ में आ गई?
कुछ पूछना है कहीं भी देख लो एक बार। पांच नंबर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, स्टेट एंड प्रूफ जीएलबी प्रॉपर्टी, उस क्वेश्चन में आपको, उस केस में आपको ये प्रश्न भी याद करना होगा, ठीक है ना। प्रश्न भी याद रखो और फिर उसका सलूशन भी करो, ठीक है। तो क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकता है, पहला स्टेट एंड प्रूफ जीएलबी प्रॉपर्टी, दूसरा स्टेटमेंट दे सकता है, ये लिखेगा नहीं कि जीएलबी प्रॉपर्टी, ये स्टेटमेंट दे देगा फिर आपको इसे प्रूफ करना होगा। तीसरा कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो मैंने यहाँ पे एस लिया हुआ है वो कोई और सेट दे दे, कैपिटल ई दे दे या कैपिटल एफ दे दे, तो तुम लोग तैयार किए रहोगे एस में और वहाँ पे फिर लिख दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो ई ही लिखना होगा, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे आपका टेस्ट होगा तो उसमें चीज़ें बदल बदल करके ही दिए जाएंगे। रियल की खास बात यह है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। एक बार मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ था कंटिन्यूटी, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसबिलिटी, तो वहाँ पे मैं क्लास में ये डिस्कस नहीं किया था, हम इस फंक्शन की डिस्कस मैंने किया था मॉड एक्स बाई एक्स की, ये मैंने डिस्कस किया था, बट मैंने नाम नहीं बताया था बच्चों को कि ये सिग्नम फंक्शन होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ था दो नंबर में, डिफाइन सिग्नम फंक्शन, बस दो लाइन का आंसर था, सब छोड़ के चले आए थे कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझना बहुत ही ज़रूरी है रियल एनालिसिस में। कभी कभी ये चीज़ें आपको मालूम रहेंगी और समझ में नहीं आता है तो फिर ये होगा कि चलो हटाओ, थोड़ा सा ही अगर मोड़ दिया तो फिर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। इसमें कोई दिक्कत कहीं भी? अब एल यू वी प्रॉपर्टी की चर्चा हम कल करेंगे और अभी हम कुछ इनफीमम और सुप्रीमम जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कुछ है नहीं, चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो फिर आप कर ले जाओगे। क्या करना है देखो, यहाँ पे मैंने जो बताया है कि L इज इनफीमम ऑफ S, मतलब कि L जो होगा वो सारे लोअर बाउंड का सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा होगा तो आपको ये सिद्ध करना होगा कि कोई एक और लोअर बाउंड अगर लेते हो तो वो लोअर बाउंड कभी भी इसे इंक्रीज नहीं करेगा, इसे छोटा ही होगा। और देखो वही हुआ भी है, बस प्रूफ करने का अंदाज बदल गया है, ठीक है ना। चलिए हाँ, नहीं तब तो गलत है, फिर एक नंबर नहीं पाओगे। हाँ तो समझने के तो समझ ही सकते हो, वो तो मैंने बहुत ही एग्जांपल आपको बताया है। अब जैसे मान लो कोई भी सेट ले लो, वन बाई एन वाला ले लो, ठीक है, तो जीरो जो होता है हमारा लोअर बाउंड होता है, ठीक है, और जीरो हमारा इनफीमम बनता है, बाद में बनता है ना। अब जीरो के अलावा तुम कोई और नंबर ले लो, ले लो छोटा उससे, हाँ माइनस वन ले लो, ले लिए। अब वो माइनस वन कभी भी जीरो से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं होगा, फिर हो गया। तो वही चीज जो वहां पे था वही चीज यहां पे होता है, बस थ्योरेटिकली उसे लिखा जाता है और एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना होगा, तभी आप नंबर पाओगे। जितना अच्छा से आप ये लिख पाओगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। कहते हैं लोग ना कि मैथमेटिक्स में राइटिंग मायने नहीं रखता, लेकिन यहाँ पे रखता है, ठीक है। हाँ मैं ये भी बता दूँ, जब मैं बीएससी था सेकेंड ईयर में गया था, ठीक है, मैंने यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई किया हुआ है। मेरा नाम जानते हो तुम लोग? नहीं जानते? मनमोहन पांडे मेरा नाम है, मैं ट्रिपल एम में पढ़ाता हूँ, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी। तो मैं जब थर्ड ईयर में था, सॉरी सेकेंड ईयर में जब मैं गया, तो एक भैया बैठे हुए थे, नहीं फर्स्ट ईयर में था, सेकेंड ईयर, सॉरी सेकेंड ईयर में था, थर्ड ईयर वाले भैया बैठे हुए थे। मैं गया ऐसे बैठा यूनिवर्सिटी में, एक जगह बैठे हुए थे, तो मार्कशीट लेकर के बैठे हुए थे। वो मार्कशीट में रियल में दो नंबर था उनका, और पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि प्रूफ करो कि रूट टू जो होता है वो रेशनल नंबर नहीं होता है, पहले पूछा जाता था। तो हमें लगा कि हो सकता है कि वही एक क्वेश्चन इनका सही रहा हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप नोट करो और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है मैं आपको ये बता दूँ। क्वेश्चन है आ,
डिस्कस वेदर फॉलोइंग सबसेट ऑफ क्यू आर बाउंडेड. क्वेश्चन है, दो चार सेट है. डिस्कस वेदर सबसेट ऑफ क्यू, सबसेट ऑफ क्यू आर बाउंडेड. पहला है हमारा पहला मैं आपको करके पहले बता देता हूं. एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन टू डी पावर एन, वन बाई थ्री माइनस सिक्स बाई एन, एंड एन इज नेचुरल नंबर. ठीक है, और भी लिख लो. x इज सच दैट x इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर n, वन बाई फोर माइनस एट बाई एन. एन जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है. n अपॉन n प्लस वन, ये तो मैंने शायद कराया भी होगा. n इज नेचुरल नंबर. नेक्स्ट n प्लस वन अपॉन n, ये भी मैं कराया हूँ. n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर. अब आओ, हो गया. ओके, ये सेट जरा बनाओ. तो सेट बनाओ, n की वैल्यू वन टू थ्री फोर रख करके सेट बनाओ और बताओ वैल्यू क्या आ रही है. बनाओ, कम से कम छः सात वैल्यू बताओ जल्दी, और गलत नहीं होना चाहिए. थ्योरम को दो तीन बार आज लिख लेना, एक दिन में मैक्सिमम एक से दो थ्योरम मैं आपको पढ़ाऊंगा. हर दिन उसे तैयार करते रहना, और जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा टेस्ट भी हो जाएगा. हो गया, रखो n की वैल्यू वन टू थ्री फोर, इसमें रखो n की वैल्यू वन. बताओ वैल्यू क्या आ रही है, पहला एलिमेंट बताओ. रियल पढ़ रहे हो, जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दो तुम लोग. टेन, एक नहीं, इसमें रखो ना n की वैल्यू वन, रखो कितना आएगा. नहीं, एट नहीं आएगा. पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. सत्रह बटे तीन. नेक्स्ट, यही आया है. नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट हमें याद है. नेक्स्ट सही है, माइनस एट बाई थ्री आएगा शायद. सेवन बाई सिक्स आ रहा है क्या? हाँ हाँ. नेक्स्ट बोलो बोलो. माइनस वन, प्लस वन नहीं आएगा यार. कितना, तुम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो. n की वैल्यू थ्री रखो यहाँ पे, तो ये माइनस मिल गया और ये हो गया वन बाई थ्री माइनस सिक्स बाई थ्री होगा तो ये हो जाएगा टू. तो ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन, और ये हो गया आपका माइनस फाइव बाई तीन, दूनी छः में से एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा फाइव बाई थ्री. तो कितना आ रहा है, आया है. नेक्स्ट बताओ, माइनस सेवन बाई सिक्स,
नेक्स्ट, अरे कोई एन इक्वल टू पांच के लिए सॉल्व करो, कोई सात के लिए करो, ऐसे करो ना। हो गया, कितना आया उतना? गलत मत कर देना तुम लोग, कितना आ रहा है? सिक्स के लिए कितना आया है? प्लस टू बाई थ्री। और पांच के लिए कितना है? पॉजिटिव आएगा तो वो तो निगेटिव आना चाहिए। फाइव के लिए बोलो, मैं कैलकुलेशन करूं? हम करना नहीं चाहते। इलेवन बाई ट्वेंटी वन, बस रहने दो, ये वाला बता दो केवल। 13 by 15, चलो रहने दो, एंड सो ऑन। ठीक है, अभी लिखना मत फेयर पे, हम पहले देख लेते हैं इसकी इन्फिमम सुप्रीमम क्या आ रही है। 17/3 का क्या मतलब है? तीन छके 18 होता है, तो ये हो गया 3 × 5 = 15, यानी कि 5.6। इसके लिए बोलो माइनस 3 × 6, यहाँ पे 2 बच गया, -2.6। इसके लिए बोलो 3 × 3 हो गया, 2 बच गया, 1.6। वेरी गुड। इसका बोलो -1.10 हो गया, 1.1। ठीक है, इसके लिए 0.130, 15 × 90, 90, 8 होगा क्या देख लेना, 0.8। ठीक है, इसके लिए कि बोलो कितना आ जाएगा, -0.6। इसके लिए छोड़ो रहने दो। अब ज़रा देखो 5.6, ध्यान से देखना, 1.6, फिर 0.8, इन सब में सबसे बड़ा क्या है? 5.6, मतलब कि यहां पे जो वैल्यू है वो है हमारा 17/3। कोई दिक्कत? और 17/3 से जस्ट छोटा क्या है? तो 1.6 उधर या इधर? इधर। तो ये हो गया हमारा 5/3। अब क्या लिखेंगे? 13/15, तो ये हो गया हमारा 13/15। अब आप n की वैल्यू जो इवन के लिए हमारा, सॉरी ऑड के लिए जो हमारा पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है, इसके आगे आप कोई भी वैल्यू लोगे ऑड नंबर में n की वैल्यू, तो उस केस में जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव वो इधर ही आएगी। ठीक है, अच्छा अब आप ये बताओ -2.6, -1.1 और -0.6 में सबसे छोटा क्या होगा? नेगेटिव वाले में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे छोटी हो जाती है, तो यहां पे मैं क्या लिख दूं? -8/3। इससे जस्ट छोटा बड़ा क्या होगा? -1.1, मतलब कि -7/6। इससे जस्ट ये हो जाएगा आपका -2/3। तो सेट का सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा? इससे छोटे जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो सारे ही नंबर इसके क्या होंगे? लोअर बाउंड होंगे, और सारे लोअर बाउंड का सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या होगा? -8/3। सो इनफीमम क्या हो गया? -8/3। सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? 17/3।
तो 17/3 से बड़े सारे रैशनल नंबर क्या होंगे? अपर बाउंड होंगे। और सारे अपर बाउंड का लिस्ट क्या होगा? 17/3। तो सुप्रीमम क्या हो गया? बस हो गई कहानी खत्म। आपको प्रॉब्लम कहाँ होगी? बस यहीं पे, इधर डिवाइड करके देख लो। कुछ लोग तो इसमें ही गलती कर दे रहे हो। ठीक है, अब क्या लिखना है मैं बोल रहा हूँ, लिखो सोल्यूशन, लिखो ए। टाइम क्या हो रहा है जरा बताना। देखो पचपन लिखो। गिवेन दैट, फास्ट लिखना थोड़ा, गिवेन दैट ए इज इक्वल टू ए, नहीं सॉरी, सेट एस इज इक्वल टू, सेट एस इज इक्वल टू दिस, ये पूरा लिखो, हो गया। नेक्स्ट लाइन से लिखो, एबव सेट कैन बी रिटेन एज, कैन बी रिटेन एज, रिटेन एज दिस, एस इज इक्वल टू लिखना, एस इज इक्वल टू दिस, हो गया। हो गया, अब एक रियल लाइन बनाओ। हो गया, रियल लाइन पे ये वैल्यूज पुट करो, ये पॉइंट वाला नहीं, ये लिखो 17/3, 5/3, 13/15, 15, और इधर से लिखो -8/3, -7/6, -2/3, हो गया। चले, यहाँ पे भी ऐसे ही रो बना लेना और यहाँ पे लिख देना ऑल अदर वैल्यूज फॉर n इज इक्वल टू, ये देखो 6 के लिए है ना, 6 के लिए तो हमने लिख दिया, तो n इज इक्वल टू 7, 8 एंड सो ऑन। बस अब इसके बारे में लिखना शुरू करो। मैं बोल रहा हूँ लिखो, सेट एस इज, सेट एस इज बाउंडेड बिलो, दिस सेट एस इज बाउंडेड बिलो बाई -8/3, -8/3, हो गया। एंड आगे लिखना, एंड ऑल अदर नेगेटिव रैशनल नंबर, ऑल अदर नेगेटिव रैशनल नंबर नंबर्स आर आल्सो लोअर बाउंड ऑफ द सेट, ऑफ द सेट एस, ऑफ द सेट
एस, हो गया, हो गया, फुल स्टॉप। आगे लिखना, इन ऑल लोअर बाउंड, ऑल लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस, ऑल लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स इज, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स इज, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स इज, दो मिनट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स इज माइनस एट बाई थ्री, माइनस एट बाई थ्री, देयरफोर, फुल स्टॉप के बाद देयरफोर, इनफीमम ऑफ एस इज क्या हो जाएगा, माइनस एट बाई थ्री, इनफीमम ऑफ एस इज माइनस एट बाई थ्री, हो गया, फुल स्टॉप। दिस सेट एस इज आल्सो बाउंडेड अबव, दिस सेट एस इज आल्सो बाउंडेड अबव बाय 17 बाई थ्री, फास्ट लिखना थोड़ा, 17 बटे तीन, हो गया, विच इज अपर बाउंड्स ऑफ द सेट एस, विच इज अपर बाउंड्स ऑफ द सेट एस, अपर बाउंड्स ऑफ द सेट एस, हो गया, ओके, आगे लिखना फुल स्टॉप के बाद, ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर ग्रेटर देन 17 बाई थ्री, ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 17 बाई थ्री आर आल्सो अपर बाउंड, आर आल्सो अपर बाउंड्स, आर आल्सो अपर बाउंड्स ऑफ द सेट एस, फुल स्टॉप। इन ऑल अपर बाउंड्स, इन ऑल अपर बाउंड्स, इन ऑल अपर बाउंड्स ऑफ द सेट एस, ऑफ द सेट एस द लिस्ट अपर बाउंड्स इज, द लिस्ट अपर बाउंड्स इज 17 बाई थ्री, द लिस्ट अपर बाउंड्स इज 17 बाई थ्री, हो गया, सो सुप्रीमम ऑफ एस इज, सो सुप्रीमम ऑफ एस इज 17 बाई थ्री, हो गया, बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है, लोअर बाउंड भी है, अपर बाउंड भी है, मतलब इनफीमम भी है, सुप्रीमम भी है, मतलब कि ओवरऑल सेट कैसा हो गया, तो हेंस एस इज बाउंडेड, हेंस एस इज बाउंडेड, बंद कर देता हूं। कोई दिक्कत, कुछ पूछना है तो इन इन सब के लिए कर लोगे ना, तो जितना भी मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है सबके लिए ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है, तो कल लिख करके लेके आना, मैं चेक कर लूंगा पहले।